बात करने वाले हैं जो काफी पॉपुलर है और काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो इस बिजनेस के बारे में हम डिटेल में इसके ऑनर से खुद ही जान लेते हैं कि वो इस बिजनेस के बारे में क्या कहते हैं और मैं कैसे रन कर। तो आई सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कौन हैं और इस बिजनेस को आप कैसे कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है सौरव महेकर एंड मैं एक जस्ट एक साल पहले मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया था और पहले से बिजनेस में इंटरेस्ट था। सो ये मेरा फर्स्ट बिजनेस वेंचर है एंड ये स्केल्स में तो पहले से इंटरेस्ट था, बिजनेस में शॉप ओन करने का ड्रीम था तो बस चालू हो गया। आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को ताकि आप खुद का जो ये बिजनेस है जो केक का बिजनेस है वो क्या। सो बेसिकली एक डेजर्ट शॉप है, यहाँ पे केक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स मिलते हैं जैसे कि छोटे मोटे डोनट्स हो गए, लावा केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गए। तो ऑल इन वन शॉप है जहाँ आपको नॉर्मल केक से लेके कस्टमाइज केक तक सब कुछ मिलेगा। वैसे नॉर्मली केक के शॉप तो काफ़ी हैं हमारे पास इंडिया में है, मुंबई से तो और ही ज़्यादा है। तो जैसे मैंने देखा था जो आपके शॉप के आजू बाजू में, तो आपका शॉप आपका केक और उनके केक में क्या डिफरेंट करना चाहता है, क्यों अलग है आपका। फर्स्टली तो देखा जाए तो इंडिया का अपनी कंट्री का मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्योर वेजिटेरियन है। सो लोगों के मन में एक डर रहता है कि ये जो केक हम लेंगे वो प्योर वेज है कि नहीं, अंडा तो नहीं। सो ये मेन खासियत ये शॉप की सारे डिजर्ट सारे केक प्योर वेज है। सो लोगों को टेंशन नहीं है, वो विदाउट फ्री केक्स ले सकते हैं और लोगों के मन में एक माइंड सेट होता है कि विदाउट डेयरी वाले केक्स अच्छे नहीं होते हैं, टेस्ट में अच्छे नहीं होते। बट ये शॉप के केक था कि सबका माइंड सेट थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ये मेन रीज़न है कि प्योर वेज केक्स। और एक बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए हैं आपके बिजनेस के बारे में जो बाकी लोग नहीं करते, बाकी वो शॉप वाले नहीं करते, बाकी बिजनेस वाले नहीं करते, वो आप क्या करते हैं। सो आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द शॉप में जो केक्स रहते हैं वो इसे स्टॉक में आते हैं, वो देखा स्टॉक की साइड पर आ जाता है। बट ये शॉप का ये खासियत है कि आपको फ्रेश केक्स वगैरह मिलते हैं, जैसे प्योर खत्म होता है इमीडिएटली नेक्स्ट ऑर्डर आता है, इनके कस्टमर को कोई और फ्रेश केक चाहिए तो हम विदिन 7 to 10 मिनट में उनको फ्रेश केक बना। तो जैसे आपके पीछे मैं एक बैकग्राउंड देख रहा हूँ तो लाइव किचन ये क्या है सर। सो बेसिकली एक लाइव किचन काउंटर है, यहाँ पे हम इवनिंग्स में केक सब यही बनाते हैं तो कस्टमर्स भी देख सकते हैं कि आपके केक कैसा बन रहा है, क्या हाइजीन में बन रहा है, बच्चे भी बढ़ रहे हैं कैसे बन रहा है, तो उनको सब आंखों के सामने दिखा। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि अभी जो कस्टमाइज का जमाना है तो आप अपने केक को कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज करके जो कस्टमर का नीड रहेगा छोटा सा छोटा डिटेल जो रहेगा वो हम पूरा करते हैं। ऐसा फोटो है वही उनको देखेंगे, उनको थोड़ा भी कुछ चेंज रहेगा हम वैसा करते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा मॉडल है सर, ऐसे तो हर कोई चाहता है कि मैं खुद अपने हिसाब से, वो कस्टमर चाहेगा कि मैं अपने हिसाब से केक बनाऊँ तो वो आप उनको बोलोगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे आप देखेंगे कुछ लोगों का कैटलॉग होता है जैसा वो डिज़ाइन है वैसा तो है और कुछ चेंज नहीं हो सकता, हमारे यहाँ दो डिज़ाइन चाहिए तो थोड़ा भी डिज़ाइन जैसा इधर का उधर करना है सब हो जाएगा। आप अपने बिजनेस को जब स्टार्ट किए थे सर आपने तभी क्या 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 प्रॉब्लम था, क्या क्या किए थे जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया। फर्स्टली जब भी लोग बिजनेस स्टार्ट करते तो हम यही देखते हैं कि ये जगह पर चलेगा कि नहीं। सो मेन तो लोकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, 3-4 जगह ढूंढने के बाद आपको प्रॉपर जगह मिली, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे प्लेस वो केक सब प्लेस सूटेबल लेके उन लोग को पहले सूटेबल बनाना पड़ जाता है, फॉर्मेलिटीज होती है तो स्ट्रगल जाते हैं बट हो जाते हैं वो आसानी से सॉल्व कर। तो हमारे व्यूअर्स को आप अपने बिजनेस के बारे में आपके साथ कनेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, 7-11 सर्च करेंगे तो आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी है, गूगल पे भी है और ऑनलाइन मार्केटिंग जो है तो आप कहीं भी सर्च करें आपको मिल जाएगा। कोई भी कस्टमर अगर ऑनलाइन आपके पास जुड़ना चाहे तो वो ऑनलाइन जुड़ सकता है राइट। और सेकंड थिंग, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है। सो हमारे पास एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, सो जब भी कोई कस्टमर आते हैं उसका फ़ोन नंबर ले लेते हैं और उसको हमारे लॉयल्टी स्कीम में ऐड कर देते हैं। जब भी कोई कस्टमर जाते हैं उसको एक मैसेज आता है तो वो मैसेज को जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसको 2 कॉम्प्लीमेंट्री कपकेक देते हैं तो वो मैसेज स्प्रेड करते हैं, उसके साथ और 3 जन आते हैं ऑनलाइन भी हम डालते हैं तो इसे कस्टमर बहुत ग्रो होते हैं। तो इसके बाद आपने कुछ सोचा हुआ है कि बिजनेस को और बड़े स्केल पर करने के लिए क्या सोचा।
हाँ फिलहाल अभी थोड़ा ऊपर में जो हमारे डिलीवरी जितना एक्टिव है तो मेन चीज़ है आपको और डिलीवरीज करना है ताकि लोग घर बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, घर बैठे बैठे कस्टमर्स केक का भी ऑर्डर देते हैं ताकि उनको फिजिकली ना विजिट करना पड़े, ऐसा कुछ वीडियो कॉल टेक्स्ट राइट कर सकते हैं तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते केक कैसा होगा, उनका भी टाइम बचेगा और उनका भी एक्टिव होगा। आपको ये पर्टिकुलर कौन से एरिया में है सर ये आपका? ये अंधेरी ईस्ट महाकाली केक जरूर थी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई वो आपने ओवरकम किया, अभी हमारे व्यूअर्स को जो भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको आप क्या ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं कि जो वो लोग को लगे कि हाँ ये तरीका है जिसे हम लोग भी लेकर ऐसे क्या बता सकते हैं? सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिजनेस में आप जाना चाहते हैं आपको उसका 100% नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए, लोकेशन और आजकल के ग्रोइंग ट्रेंड्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए, फिर आगे वाले सालों में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं वो बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आज ये चल रहा है कल जाके ना चले कुछ ना चले, आपको एटलीस्ट आपके जो करंट ईयर है उसके 5 to 10 years आगे सोचना है क्या होगा, उस हिसाब से आपको प्रॉपर स्टडी करके ही बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये थी हमारे आज के बिजनेस मॉडल जिसकी वजह से हम काफ़ी अच्छा नॉलेज ले पाए आज, आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे सर से जुड़ना चाहेंगे तो उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वाया सोशल मीडिया और इंटरनेट मार्केटिंग, बहुत ही अच्छा तरीका होगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग आप अपना कोई हैंडल बताना चाहेंगे सर? आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं 777 महाकाली, या आप सिंपली गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं 777 महाकाली, वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सब एक्टिव है। जैसे आपको पता तो चल ही गया होगा कहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे आने के लिए, उस हिसाब से आप डेफिनेटली विजिट करिए, एक बार तो विजिट करिए जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ का सर्विस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।